हेलो एवरीवन, आज है 24 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, 16 रुपए के आसपास शेयर अभी ट्रेड कर रहा है और पहले एक बहुत बड़ी रैली यहां पर जरूर हमें देखने को मिली थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हाल फिलहाल में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर सस्ता है कि नहीं, क्या ये खरीदारी करने का एक सही मौका है कि नहीं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 16 रुपए 60 पैसे के ऊपर शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में 6.5% की गिरावट देखने को मिली है। देखिए, तकरीबन 23 रुपए के ऊपर शेयर पहुंचा था, उसके बाद ऐसी गिरावट आई है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले एक साल की हम बात करें तो पिछले एक साल में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में 86% की गिरावट है। 121 रुपए से टूटता हुआ शेयर नीचे आया। अब देखिए, नीचे आने पर हमेशा ये ट्रैप करता है लोगों को। 18 रुपए 80 पैसे के ऊपर ये शेयर पहुंचा, बाद में ऐसी रैली आई कि वही 18 रुपए का शेयर 50 रुपए के करीब पहुंच जाता है, फिर वापस पैसा डुबो देता है और वापस 20 रुपए पर आया। फिर वापस रैली आई कि वही 20 रुपए का शेयर बहुत ही कम वक्त में 32 रुपए पर पहुंच गया। उसके बाद ऐसी गिरावट आई कि वही 32 रुपए का शेयर आपको 9 रुपए के ऊपर मिलने लग गया। फिर वापस ऐसी तेजी आई कि वही 9 रुपए का शेयर 23 रुपए पर आया और वापस इतनी बड़ी गिरावट है। हर बार ये वो शेयर है जो ट्रैप तैयार करता है। ऑपरेटर्स यहाँ पर ट्रैप तैयार करते हैं और उसमें फंसता कौन है? रिटेल निवेशक। वो बड़े लेवल पर खरीदारी करता है ये सोच के कि भैया यहाँ पर मेरा पैसा बन जाएगा, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। पिछले 3 साल की हम बात करें तो 3 साल में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने 96% 97% तक का घाटा किया है लोगों का। 580 रुपए से शेयर टूटता हुआ नीचे आया है। 10 साल की भी अगर हम बात करें तो 10 साल में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का जो शेयर है उसका प्राइस देखिए 98% की गिरावट है। 1215 रुपए के लेवल से टूटता हुआ नीचे आया है। जब भी बाउंस बैक किया है उससे कई ज्यादा बड़ा इन्होंने लॉस करके दिया है। और इतना ही नहीं, अगर हम इसका पूरा ऑल टाइम हाई का अगर हम चार्ट यहाँ पर देखने की बात करें तो ऑल टाइम का जो चार्ट है वो वाकई में आपको चौंका देगा, क्योंकि जो हाई बना था वो कोई छोटा मोटा हाई नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा बड़े लेवल के ऊपर भी ये शेयर ट्रेड कर चुका है। तकरीबन तकरीबन आप देख सकते हैं कि ये शेयर कितने बड़े लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा था, कितने बड़े लेवल के ऊपर, तकरीबन 2700 2800 रुपए तक भी ये शेयर ट्रेड कर चुका है। और गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई। तो देखिए, बहुत बड़े लेवल से ये शेयर गिरा है और हर बार लोगों को ट्रैप करने का काम इसने किया है। माइक्रो कैप स्टॉक है, 450 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसई में देखेंगे तो 7 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो वही आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर देती है। अब खुद देखिए कि एक ही क्वार्टर में सब लोग बिकवाली कर रहे हैं, खुद प्रमोटर यहां से बेच के निकल रहे हैं। जो होल्डिंग प्रमोटर की 34.83% की होल्डिंग हुआ करती थी वो एक ही क्वार्टर में 14.70% की हो चुकी है। 20% से भी ज्यादा की हिस्सेदारी प्रमोटर ने यहाँ पर बेची है। मतलब भैया, प्रमोटर ने तो अपना फायदा यहाँ पर कर लिया, बेच के निकल लिया वो लोग। एफआईएल के पास जो 15.19% की होल्डिंग थी वो 12.84% है। एफआईएस ने भी बहुत बड़ी होल्डिंग बेची है। म्यूचुअल फंड के पास सिर्फ 0.01% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 4.77% की होल्डिंग है। यहाँ पर खरीदारी किसने कर ली? नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, उन लोगों ने भैया बहुत बड़ा माल उठाया और फंस के रह गए। 62.49% की होल्डिंग। यहाँ पर देखिए प्रमोटर कौन है? रिलायंस प्रोजेक्ट वेंचर एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिनके पास 10.61% की होल्डिंग है और उसमें भी भैया 66% की होल्डिंग, तो ये लोग गिरवी रख के बैठे हुए हैं। 42 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है। 57 एफआईएल यहाँ पर इन्वेस्टेड है। और वाकई में दुख होता है जब हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डिंग में एचडीएफसी लिमिटेड को मैं यहाँ पर देखता हूँ। एचडीएफसी लिमिटेड जो बैंकिंग, जो मतलब पूरे बैंकिंग सेक्टर का बादशाह है, मतलब वो एचडीएफसी बैंक हो गया लेकिन उसके भी सबसे बड़ी होल्डिंग है, तो एचडीएफसी लिमिटेड भैया 8.27% की होल्डिंग क्यों यहाँ पर ओन कर रही है? ये वाकई में चौंकाने वाली बात है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 45.74% यहाँ पर देखने को मिली है। डिविडेंड 2018 में पे किया था 95% का, मतलब 9.5 रुपए का डिविडेंड 2018 में पे इन्होंने पे किया था। 2019 में कोई डिविडेंड भी पे नहीं किया है।
और आपको बता दें कि ये जो कंपनी है ना वो मुकेश अंबानी की, सॉरी अनिल अंबानी जी की ये कंपनी है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर अनिल अंबानी जी की कंपनी है, वो यहाँ के चेयरमैन है। और हाल फिलहाल में अनिल अंबानी जी के लिए कोई अच्छी खबर तो नहीं आई है। देखिए अनिल अंबानी जी को तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं, वो भी 21 दिन में। 21 दिन में 5,000 करोड़ रुपए इनको चुकाने हैं चाइनीज कंपनियों को, ठीक है। यहां पर यह है कि आप देख सकते हैं कि एक और बड़ी मुसीबत है, क्योंकि ब्रिटेन की एक अदालत ने उनकी मुसीबत को बढ़ा दिया गया है। कर्ज से जुड़े इस मामले पर ब्रिटेन की एक कोर्ट ने में सुनवाई हो रही है, और अदालत ने रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को साफ साफ कहा है कि वो चीन के 3 बैंकों को 21 दिन के अंदर 54 अरब करोड़, 48 करोड़ 1000, 48 रुपीज का पेमेंट करें। मतलब कुल मिलाकर अगर ये जो अगर हम देखें तो 5,000 करोड़ से भी ज्यादा का अमाउंट निकल जाता है। ऋण करार के तहत अंबानी से ये रकम वसूली जाएगी, तो देखिए इनसे 21 दिनों में इतनी बड़ी कीमत की वसूली की जाएगी। अब अनिल अंबानी ने गारंटी को बताया था भी, अगर देखिए अनिल अंबानी से जुड़ा मामला लंदन में इंग्लैंड और वेल्स के हाई कोर्ट के वाणिज्य खंड में चल रहा है। चीन के 3 बैंकों से जुड़े केस में अनिल अंबानी की ओर से व्यक्तिगत गारंटी का तर्क रखते हुए इसे विवादित भी बताया गया है। पिछले दिनों सुनवाई देखो यहाँ पर हुई थी, और इतना बड़ा अमाउंट इनको देना है और पैसे चुकाने के लिए उनको सिर्फ 21 दिन का वक्त दिया गया है, ठीक है। तो अब अनिल अंबानी इतने समय में कहाँ से पैसा चुकाएंगे या केस को लेकर और ज्यादा अपील करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। वैसे इससे पहले भी अनिल अंबानी की तरफ से मामला आया था, ठीक है, इससे पहले भी अनिल अंबानी जी की तरफ से एक और निवेदन आया था और कहा था कि भैया हमारी जो कंपनियां है ना वो दिवालिया हो चुकी है, और इस वक्त हम ऐसी कोई सिचुएशन में नहीं है कि हम पैसा चुका सके। ये अनिल अंबानी जी के द्वारा बताया गया था कि भैया हमारी कंपनियां तो दिवालिया हो चुकी है, अब हम यहाँ पर कुछ भी कुछ भी कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये हमें जाननी चाहिए। और ये जो कंपनी है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, आप खुद सोच सकते हैं कि जब कंपनी के मालिक खुद कह रहे हैं कि भैया हमारी कंपनियां दिवालिया हो रही है, हम पैसा चुका ही नहीं सकते, और इतना बड़ा जब कर्जा किसी कंपनी के चेयरमैन के ऊपर है, तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस आने वाले दिनों में कितने हद तक टूट सकता है। और ऑलरेडी 2,800 के लेवल से टूटता हुआ शेयर नीचे आया भैया, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत है। टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है, पी बहुत सस्ता है और भी सस्ता होगा। 0.42 का पी है, जबकि इंडस्ट्री पे 9.30 का है। बुक वैल्यू 400 के आसपास है, और देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू आज तक किसी कंपनी की इतनी कम नहीं होगी, बहुत ही कम कंपनियां होगी जिनकी प्राइस टू बुक वैल्यू 0.04 हो गई होगी। ईपीएस 39 है और बुक वैल्यू 69 के आसपास है। 82% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 18% लोग यहां पर बेचने की सलाह दे रहे हैं, और मार्च क्वार्टर के इनके नतीजे भी आए हैं और वो कुछ खास अच्छे भी नहीं है। 122 करोड़ का इनको लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है भैया। इससे पहले 350 करोड़ का प्रॉफिट था, 311 करोड़ का प्रॉफिट था, 318 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले साल मार्च में, लेकिन 1,890 करोड़ का लॉस भी हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि इस बार भी यहाँ पर लॉस देखने को मिला है। और अब आप खुद सोचिए कि जब मार्च महीने में ये हालत है तो जून में क्या होगा, जब मार्च में ये हालत है तो जून में क्या होगा, ये भी हमें समझना चाहिए। और प्रमोटर कंटिन्यूस शेयर को बेच रहे हैं, कंटिन्यूस शेयर बेच रहे हैं। आप खुद देखिए कि एक ही साल में 40-41% की होल्डिंग 15% से भी कम हो जाती है, ठीक है। एफआईएल की 30% की होल्डिंग 12% पे आ जाती है। उसके साथ साथ इंश्योरेंस कंपनी की 4.94% की होल्डिंग 4.77 पर आ जाती है, तो मतलब बहुत कम गिराई है, ज्यादा भी नहीं गिराई है। म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट एग्जिट हो जाते हैं, 1.41% की होल्डिंग 0.01%। तो यहां से आप क्या देख रहे हो, प्रमोटर कंटिन्यूस शेयर बेच रहे हैं, एफआईएस बिकवाली कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी बिकवाली कर रही है, म्यूचुअल फंड भी बिकवाली कर रहे हैं, तो हम क्यों खरीदें। अब देखो ये जो लोग होते हैं ना भैया, ये पूरी रिसर्च करते हैं और पूरी जानकारी इनको होती है, तभी ये लोग इतने बड़े फंड हाउस में काम करते हैं, ठीक है। अब वही लोग जब यहाँ से एग्जिट हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हाल फिलहाल में कोई सही वक्त है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में एंट्री लेने का। और मुझे लगता है कि शेयर और ज्यादा टूट सकता है, क्योंकि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो पूरी तरीके से बिखर चुका है। मुझे नहीं लगता कि कंपनी में कुछ भी बचा हुआ है।
तो यार मैं तो यहां से अवॉइड करने की ही सलाह दूंगा। अगर इसमें शॉर्ट टर्म में कोई तेजी आती भी है ना, तो मैं मानता हूं कि वो एक ट्रैप है आपको फंसाने के लिए। आप यहां पर देखिए, 9 रुपए के ऊपर था, तेजी आई, 23 पर गया, अब वापस ये नीचे जा रहा है। जिसको जो लोग यहाँ पर फंस गए ना, वो फंस के रहेंगे। अब उनका जो पैसा है वो यहाँ पर और नीचे टूट सकता है। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर सब्सक्राइब अगर आप कर रहे हो, अगर आपने अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और आप रेगुलर मेरे वीडियोस को देख रहे हो, तो इससे पहले भी मैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ और मैंने तब भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, ये शेयर में मुझे उतना कोई पोटेंशियल दिखता नहीं है। अगर रैली आती है तो वो शॉर्ट टर्म की रैली होती है, उसमें आप एग्जिट करने का प्लान कर सकते हो, ना कि फर्दर खरीदारी करने का। इसमें ये जो जब भी रैली अगर इसमें आएगी, मैं यही मानता हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैप है, आपको ट्रैप में फंसाया जा रहा है यहाँ पर। तो बेटर यही है कि अवॉइड करें मैनेजमेंट पूरी तरीके से। आप खुद सोचिए कि आप किस पे पैसा लगा रहे हो, आप कंपनी के मैनेजमेंट आपको उतना ट्रस्ट वर्दी लग रहा है कि नहीं, पहली चीज ये है। कंपनी का फ्यूचर आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, वो भी एक दूसरी चीज है। कंपनी के ऊपर भैया कर्जा कितना ज्यादा है, तो ये सब सारी चीजें उतनी सही नहीं है और इसीलिए मैं इसको अवॉइड करने की ही सलाह दूंगा। रिस्क लेना इस कंपनी में तो मुझे सही नहीं लग रहा है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।